गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को आगे, है ना। टॉपिक वही है, ऑलरेडी पढ़े हुए आपके ई नॉट की वैल्यूज, आज ही वही टॉपिक है आपका, है ना। कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है आज का ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ट्रेंड और उसकी स्टेबिलिटी, मतलब कैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, कौन सी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम होगी, एंड ऑल द थिंग्स। सही है। अगेन वही पॉइंट, मैंने बहुत सारे पॉइंट पीछे लिखे हुए हैं बोर्ड पर, वो इसलिए लिखे हुए हैं, कई बार पढ़ाते हुए चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ स्किप ना हो जाए, तो एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। और ईच पॉइंट इज इंडिविजुअल क्वेश्चन, अपने आप में सारे पॉइंट क्वेश्चन हैं। DNF ब्लॉक के अगर आप नोट्स देखोगे तो मैंने स्टार्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे छोटे स्टार्स बने हुए हैं। लगभग इस चैप्टर में 140 या 150 स्टार्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब क्वेश्चन वन देखिए, आप स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन वन बोलता है ये कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ओनली ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही स्टेबल होती हैं। मतलब जैसे अगर मैग्नीज को +7 स्टेट शो करनी है तो या तो वो शो करेगा फ्लोरीन के साथ या वो शो करेगा ऑक्सीजन के साथ। रीजन क्या है? बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ड्यू टू विच द मेटल्स जनरली शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली। क्या आयोडीन के साथ बना सकता है Mn(I)7? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आयोडीन की इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है कि मैग्नीज के 7 इलेक्ट्रॉन्स को छीन लें। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? कि आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ओनली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। ये हटा भी लेता हूँ ताकि स्पेस बनेगा कुछ आगे, ये हटा रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। आगे देखिए हॉट। अब हॉट क्या देखिए? हॉट नहीं है, अपने आप में ट्रबल है। जहाँ ट्रबल होगी मैं लिखूंगा ट्रबल वाले क्वेश्चन। जैसे ये है, इन एक्वस मीडियम Cu+2 इज हायर स्टेबल देन Cu+1। हम क्या करते हैं? हम इस वर्ड को भूल जाते हैं। हम जनरली जब क्वेश्चंस देखते हैं हम इतने फ्लो में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि हम एक्वस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? केवल Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+1। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि Cu+2 ज़्यादा स्टेबल होता है Cu+1 से। कुछ बच्चे तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाए सीधा तुक्का मारते हैं, और सीधा तुक्का के बाद क्या लिखते हैं? Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब पता ही नहीं है कि भाई क्या करना है आपको। अब देखिए आप ध्यान से, Cu+1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या है समझो, पहले देखो। ये है 3d10 4s 0, निकाल दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर Cu+1 में तो ऑलरेडी 3d10 है, तो उसके बाद भी Cu+2 बना रहा है, मतलब Cu+2 में क्या होगा? Cu+2 में होगा 3d9। तो 3d9 3d10 से ज्यादा स्टेबल क्यों होगा? क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि Cu+2 का जो 3d9 है Cu+1 के 3d10 से ज्यादा स्टेबल कैसे हो सकता है? अब यह काम आता है आपका कीन ऑब्जर्वेशन। जो बच्चे नोट्स को NCERT को बहुत ढंग से पढ़ते हैं, एक एक लाइन रीड करते हैं, उन्हें ट्रबल नहीं आएगा, क्योंकि वो ये वर्ड नहीं छोड़ेंगे कभी भी, एक्वस मीडियम। और मैंने बताया था आपको, अगर आपका आयन एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है देन हाइड्रेशन एंथैल्पी प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो आंसर ये है माय डियर, Cu+2 इज मोर स्टेबल बिकॉज इन एक्वस मीडियम हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu+2 आयन इज वेरी वेरी नेगेटिव। Cu+2 आयन बनने के लिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से 3d10 होने के बाद भी आपका Cu+1 ईजिली रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट मोर स्टेबल स्टेट, मोर स्टेबल प्रैक्टिकल स्टेट Cu+2। Cu+2 तो वरना बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि Cu+1 क्या है आपका 3d10, तो क्यों बनेगा भाई Cu+2? 10th पढ़ लिया आपने, 11th पढ़ लिया, अभी आप 12th में हो, कभी सोचा कि Cu+2 क्यों बन रहा है?
वो तो बनना ही नहीं चाहिए सी यू प्लस टू। सी यू प्लस टू बनने के पीछे ओनली वन रीजन है, उसकी हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये ट्रबल क्वेश्चन है। ये ट्रबल क्यों है? अगर आपने वो हाइड्रेशन एंथैल्पी ढंग से नहीं पढ़ी है और केवल हवा में ही आंसर्स देने हैं तो फिर ये दिक्कत है। और फिर बोल रहा हूँ, जो दिसंबर में जागेगा पढ़ाई करने के लिए उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वो वैसे उसी पे चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर। ये डिफरेंस है जो शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और ये डिफरेंस है जो लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्रबल क्वेश्चन है। आगे देखिए, हटा रहा एक क्वेश्चन और देखिए बेटा आगे, और जनरल क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। E नॉट सी आर सी आर प्लस टू का वैल्यू है -0.90 वोल्ट। स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, किससे? E नॉट एफ ई एफ ई प्लस टू से, जिसका वैल्यू है -0.44 वोल्ट। क्यों है स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट? कल पढ़ाया आपने, अगर E की वैल्यू कम होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा इजीली, और E की वैल्यू ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि आपका जो एलिमेंट है क्रोमियम, E नॉट क्रोमियम, डेट इज मोर नेगेटिव। इफ E का वैल्यू डिक्रीज देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज। ड्यू टू दिस रीजन CR ऑब्लिक CR प्लस टू इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ दिमाग नहीं लगाने जाता क्योंकि ये प्रैक्टिकल डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन देखिए, Ie3 ऑफ मैग्नीज इज वेरी वेरी हाई। मैग्नीज की आयनेशन थर्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। मैं क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं नोट इसमें वीडियोज में, ताकि आपको चीज़ें बहुत सिंपल लगें। I3, अब I3 के लिए आप क्या देखोगे? आप देखोगे Mn+2 को। भाई Mn+2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो Mn+3 बनाएगा, और Mn2 में क्या है ये तो कई बार कर दिया आपने क्वेश्चन। 3D5 4S0, समझ में आ गया? मोस्ट स्टेबल है, इसलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिलीज इजीली। आगे देखिए, यहाँ देखिए, ये ट्रबल वाले क्वेश्चन, ये दोनों, ये ट्रबल है, ये ट्रबल है। अब ट्रबल क्यों? देखिए क्या बोलता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन इज इक्वल टू द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बट आफ्टर मैग्नीज टेंडेंसी डिक्रीज। मतलब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको जनरली स्टेबलाइज करते हैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, लेकिन ये टेंडेंसी मैग्नीज के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन आता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, तो मतलब समझ लीजिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये होता है ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7। अब ध्यान से देखिए, स्कैंडियम में क्या है? 3D1 4S2, बीजी बीजी बता दूंगा, 3D5 4S1, ये समझ में आता ही है। यहाँ क्या है? 3D5 4S2। तो जितने D और S में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज निकाल सकता है, इसलिए मैग्नीज क्या शो करता है? +7। तो मैग्नीज की जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +7, और उसका ग्रुप का नंबर भी क्या है? 7। क्लियर? अगर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट अपने सारे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? देखिए, तो यहां स्कैंडियम की स्टेट क्या है? +3 +4 +5 +6 +7, मतलब स्कैंडियम मैक्सिमम +3 शो कर सकता है, टाइटेनियम मैक्सिमम +4 +5 +6 +7, लेकिन इसके बाद पैटर्न चेंज हो जाता है। आयरन तो ओनली +3 और +2 ही शो करता है, क्यों भाई? आयरन का तो ग्रुप नंबर क्या है? 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 3D6 4S2, तो इसको तो भैया +8 शो करना चाहिए। क्यों शो नहीं कर रहा है आयरन? क्यों शो नहीं कर रहा है? शो इसलिए नहीं करता है बिकॉज आफ्टर मैग्नीज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। मैग्नीज के बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होती है डी ऑर्बिटल में, एंड ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेड अवेलेबल फॉर द डोनेशन। क्लियर है? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड में। यहाँ देखिए आप, अब अगेन देखो प्रॉब्लम क्या बोलेगा। देखिए, हायर ऑक्सीडेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय ऑक्सीजन
बेटर देन फ्लोरीन, आपका जो ऑक्सीजन है फ्लोरीन से ज्यादा बेटर वे में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को फॉलो करता है। अब आपसे पूछ ले कभी MnF7 अनस्टेबल है बट Mn2O7 स्टेबल है, ये क्वेश्चन आ गया आपको। MnF7 अनस्टेबल है और Mn2O7 स्टेबल है, आप बोलोगे सर कैसे, यहां भी +7 है यहां भी +7 है। तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट शो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। पहली चीज तो ये है आपका फ्लोरीन बहुत छोटा होता है एंड फ्लोरीन शो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू विच द फ्लोरीन कैन नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द मैग्नीज विद +7 स्टेट। जबकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है। और एक और बात, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैपेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन इज मोर बेटर कंपोनेंट टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए आप देखना जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ हैं। KMnO4, K2Cr2O7, आपके सिलेबस से हट गया है, ये केमिकल है K2Cr2O7, ये बड़ा पढ़ते हैं आप, है नहीं सिलेबस में KMnO4, इसको हटा दीजिए। तो Cr2O7-2 क्रोमियम +6, देखो ऑक्सीजन के साथ है। MnO4-1 में +7 मैगनीज, ऑक्सीजन के साथ है। फ्लोरीन तो है नहीं कहीं भी, क्यों नहीं है फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है ना। तो अलग कैटेगरी का क्वेश्चन, याद रखना भूलना मत इसको। ये देखिए बेटा टॉपिक केमिकल रिएक्टिविटी है ई नॉट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ध्यान रखना ये, ये ध्यान समझना। अगर किसी एलिमेंट के लिए ई नॉट की वैल्यू हायर है तो मेटल नॉट शो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है आपने, दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ भूलना मत इसको। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, कोशिश करेगा उल्टा इलेक्ट्रॉन लेने की। जैसे यह वर्ड है Mn+3 और एंड कॉमा Cobalt+3 शो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर इन एक्वस मीडियम, इसकी वैल्यू होती है एक्वस मीडियम की, ये जो वर्ड लिखा है ना, इस बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि एक्वस मीडियम आते ही हाइड्रेशन एंथैल्पी का रोल आता है। जब आप अटक जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आंसर नहीं निकलेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकालेगी आंसर बाहर। अब जस्ट देखिए Mn+3 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो सबसे पहले तो देखिए Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं। तो मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, तो +3 क्या हो जाएगा 3d4 4s0। तो मैग्नीज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्यों है, आप लिखोगे Mn+3 आयन आफ्टर टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन ट्राई टू कन्वर्ट इन टू 3d5 कॉन्फिग्रेशन विच इज मोर स्टेबल, डेट्स वाई Mn+3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। मैग्नीज प्लस थ्री क्या है, वन इलेक्ट्रॉन लेकर के Mn+2 में जाने की कोशिश करता है, क्यों करता है, क्योंकि Mn+2 में क्या है 3d5 कॉन्फिग्रेशन है। अब लेकिन क्वेश्चन और डेप्थ में पूछ ले आपसे, आपसे मुझे पूछ ले प्रूव करिए, हाउ डू यू प्रूव विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कैसे प्रूव करोगे किसी केमिकल रिएक्शन से कि आपका जो मैग्नीज प्लस थ्री है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो। ध्यान से देखिए प्रूव करने के लिए, ये हटा रहा हूं मैं, स्पेस बनाओ। तो आप क्या करिए, कोई भी कंपाउंड लीजिए मैग्नीज का, जैसे मैंने लिया Mn2O3 और इसका रिएक्शन करा मैंने HCl से, अब स्टेट देखिए यहां +3 है, गॉट इट, समझ में आ रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्नीज +2 है, पर आपने चीज पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा कौन देगा, तो मैग्नीज क्या है +3 है, इसको +2 में जाना है,
तो क्या बनाएगा ये बनाएगा एम एन सी एल, ये आ गया आपका प्लस टू, ये ओके। और साथ में बनाएगा वाटर, ये गॉट इट, ये स्टेट माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस वन प्लस वन और ये माइनस टू। अब आप एक क्वेश्चन और आता है, अगर आप ऑर्डिनरी हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये राइट इक्वेशन, और अगर आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग थोड़ा अप है तो आप बोलोगे कि सर रिएक्शन में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मैग्नीज ने प्लस थ्री से प्लस टू स्टेट को एक्वायर करा, लेकिन मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन लिए किससे भाई? क्योंकि यहाँ भी माइनस टू है, यहाँ भी माइनस टू, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस वन है, यहाँ भी हाइड्रोजन प्लस वन है, क्लोरीन या माइनस वन है, यहाँ भी माइनस वन है। तो क्वेश्चन आता है मैग्नीज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए किससे, कौन है जिसने मैग्नीज को इलेक्ट्रॉन दिए हैं? ऑक्सीजन देगा नहीं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ऑलरेडी प्लस वन में है तो कौन देगा? क्लोरीन, साथ में बनेगा एक Cl2, जीरो, गॉट इट। तो ये इसका प्रूफ है कि आपका जो Mn प्लस थ्री वाला कंपाउंड है डेट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये रिएक्शंस काम आएंगे आपके पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक मैंने इसलिए रोखा हुआ है भी आपके डीएनएफ पढ़ाने के बाद थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ेगा पी ब्लॉक पढ़ने के लिए, अगर पी स्टार्ट कर देता तो हाल बेहाल हो जाते बीच में। तो अगर प्रूव करना है तो रिएक्शन में मन से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, अगर ई नॉट की वैल्यू कम है तो मेटल शो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, गॉट इट। अब देखिए सेम रिएक्शन, जैसे मैंने कहा प्रूव करिए, मैंने लिखा आपसे Mn और कुछ भी कुछ और ले लीजिए, जैसे हमने लिखा कोई भी ऐसी चीज कर लेते हैं, चलिए हमने लिखा Cu2I2, ये लिया मैंने Cu2I2, ओके। अब Cu2I2 लिया मैंने एक्वस मीडियम में और रिएक्शन करी मैंने अगेन HCl से, देखिए या मैंने रिएक्शन करी Cl2 से, देखिए ध्यान से। अब Cu2I2 में जो स्टेट है वो क्या है? प्लस वन, और आपने भी पढ़ा एक्वस मीडियम में प्लस टू स्टेट इज मोर स्टेबल, एक्वस मीडियम में क्या स्टेबल है? प्लस टू स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना, ये थोड़ा टफ हो जाएगा बेटा आपके लिए, चलो लेकिन करते हैं। होगा क्या, प्लस वन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाएगा? ये बनाएगा CuCl2, ये आ गया प्लस टू। सारा खेल इसका और इसका है, आप रिएक्शन कैसे भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि मुझे फॉलो करिए, बुक को फॉलो करिए, रिएक्शन बनाना सीखिए। अगर कोई पूछता है ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है इलेक्ट्रॉन दीजिए, बोलता है बेटर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है इलेक्ट्रॉन लीजिए, सारा खेल लेने देने का ही है, ये चीज़ समझना है। तो प्लस वन से प्लस टू में आ गया, आपने बता दिया CuCl2, ओके नो प्रॉब्लम। कैसे प्रूव हुआ? क्लोरीन जीरो है, ये माइनस वन, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, है ना। साथ में क्या बना रहा है? साथ में बना रहा है आपका आयोडीन। मेन चीज बोर्ड में ये देखते हैं कि आपने प्रूव करा Cu प्लस वन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो कैसे प्रूव करोगे? रिएक्शंस को लिख के प्रूव करोगे, है ना। देखिए अब जैसे एक स्टेटमेंट देखिए यार, अपने आप में स्टेटमेंट एंड कम क्वेश्चन है, Ti प्लस टू, वेनेडियम प्लस टू, क्रोमियम प्लस टू आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, ये भी है यहाँ, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस मीडियम में। अगर डीएनएफ ब्लॉक ढंग से नहीं समझ में आया या नहीं आता है आपको, आ जाएगा क्योंकि मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ ई नॉट की वैल्यूज को, तो ये लेके डूबते हैं कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट क्या सोचता है कि सारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, वो हमेशा क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या ढूंढेगा? हाफ फील्ड फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, पूरी दुनिया उस पर बेस्ड नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोजन एंथैल्पी रोल प्ले कर रहा है अपना। अब यहाँ देखिए Ti प्लस टू, वी प्लस टू एंड Cr प्लस टू आर अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, मतलब वो एक्वस मीडियम में इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो एक ऑर्डिनरी बच्चा क्या होगा, वो लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब D2 क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई?
डी टू में वन इलेक्ट्रॉन देने के बाद कुछ ऐसा तो स्पेशल होगा नहीं, ये क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना तो यह हाफ फील्ड बनने वाला है ना फुल फील्ड बनने वाला है इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो सुनिए अब एक्सप्लेनेशन, आप क्या लिखोगे, टाइटेनियम आफ्टर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन एक्वायर स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। ये नहीं आया बाई चांस ब्रेन में आपके, आप क्या लिखोगे, फॉर टी आई प्लस टू आयन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। दोनों लिख सकते हो, सेम वेनेडियम में भी आप ये लिख सकते हो। अब देखो दो चीजें, अगर वेनेडियम होता आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, कई बार वो ऐसे पूछ लेता है कि वी प्लस टू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली, बाई चांस पूछ ले कभी किसी और स्टेट में ले जाकर आपको, आप वो पूछ ले जैसे स्टेट में वी प्लस टू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली, तो वी प्लस टू में क्या है थ्री डी थ्री, तो आप क्या लिखोगे वी प्लस टू कैरी टी टू जी थ्री कॉन्फिग्रेशन विच इज हाफ फील्ड एंड मोर स्टेबल। तो केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है ना, इसमें दोनों तरह के ब्रेन लगाना आना चाहिए आपको, उल्टा भी और सीधा भी, क्योंकि कब वो क्या पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई करना है अपना आंसर। अगर हम बिल्कुल लकीर के फकीर बन के चलेंगे एक ही लाइन पर तो हम अटकेंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछ क्या रहा है, एक्वस मीडियम में आपका वेनेडियम इलेक्ट्रॉन क्यों निकालता है इजीली, तो आप क्या लिखोगे वी प्लस थ्री टू के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी वेरी नेगेटिव एंड आफ्टर, यही लिखना है मेन, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू इज वेरी वेरी नेगेटिव विच कॉम्पनसेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इजिली, गॉट इट। यहाँ आ जाए सी आर प्लस टू क्यों निकालता है इलेक्ट्रॉन इजिली, तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो हाइड्रेशन एंथैल्पी, बट यहाँ जो आंसर एनसीईआरटी का आंसर बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है, आफ्टर रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म थ्री डी थ्री, जो क्या होता है टी टू जी थ्री कॉन्फिग्रेशन। ये इसलिए आपका जो सी आर प्लस थ्री आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। कैसे प्रूव करोगे सी आर प्लस टू इज अ बेटर रिलीजिंग एजेंट, तो सी आर प्लस टू का रिएक्शन कराइए किसी भी केमिकल से। अब जैसे यहां देखिए आपने लिया सी आर प्लस टू, प्लस टू स्टेट है, इलेक्ट्रॉन देगा क्या बनाएगा प्लस थ्री, तो आप क्या लिख दोगे सी आर सी एल थ्री, ये प्लस थ्री साथ में क्या बना दोगे हाइड्रोजन, ओके कर लोगे रिएक्शन। वैसे रिएक्शन में मिस्टेक्स है थोड़ी सी और, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आना चाहिए सी एल टू भी आना चाहिए, सी एल टू भी आना चाहिए भाई, लेगा तो सही ना किसी से इलेक्ट्रॉन वो, तो क्या बनाएगा सी आर प्लस टू एस सी एल सी आर सी एल थ्री एंड एच टू, ये लिख दो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये चीज़ है ना। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन के साथ ट्रेंड्स हैं ई नॉट वैल्यूज के। देखिए लास्ट टॉपिक आज का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, तो मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया, वो करके आ रहे हो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सिंपल वही है, इफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल देन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक, इफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट देन एलिमेंट इज डायमैग्नेटिक। सही है, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, म्यू इक्वल अंडर रूट एन एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन, ऑलरेडी आपने करा हुआ है, एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ मैं आपको पढ़ा के इस टॉपिक को, है ना, ऑलरेडी करके बैठे हो आप। जैसे एम एन प्लस टू है, आपको पूछता है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम एन प्लस टू में क्या है थ्री डी फाइव, फाइव इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, म्यू इक्वल अंडर रूट फाइव, फाइव प्लस टू इक्वल अंडर रूट थर्टी फाइव, ओके इसको बोलते हैं स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट जो बोलते बोर्ड एग्जामिनेशन में ना। तो ये टॉपिक था आज का, एंड इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस कंप्लीट करने में टू मोर लेक्चर्स रिक्वायर, टू लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा आपके के टू सी आर टू ओ सेवन एंड केमनो फोर, वो लास्ट में मिलूंगा आपके, है ना। देखिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।